क्या कभी आपने ये सोचा है कि 2050 का भारत कैसा होगा? अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, आपको बता दें कि 2050 तक भारत 100% इलेक्ट्रिक वाहन वाला देश बन चुका होगा, इंजन वाले वाहन बिल्कुल बंद हो जाएंगे। नंबर टू, अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2050 तक भारत विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। नंबर थ्री, इसरो इतनी तरक्की कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान को मानव सहित मंगल ग्रह पर भेजा जा सकेगा और इसरो दुनिया का नंबर वन स्पेस एजेंसी बन जाएगा। नंबर फोर, इंटरनेट की स्पीड आज के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा तेज हो जाएगी और लोगों के पास अलग अलग तरह के गैजेट आ जाएंगे। नंबर फाइव, 2050 तक 100 से अधिक स्मार्ट सिटी बन जाएगी और विलेज सिटी में तब्दील हो चुके होंगे, जिससे नई टेक्नोलॉजी सभी लोगों तक पहुंच पाएगी। भारत इतनी तरक्की कर चुका होगा जो आपकी सोच से भी परे है और पॉपुलेशन के मामले में भारत विश्व में नंबर वन पर होगा। गाइज, शौक, शौक एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इनसे मिलिए, यह है कर्नाटक के रहने वाले रवि हुंगल, जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। इनको कैमरे से इतना प्यार है कि इन्होंने अपने पूरे घर को कैमरे के जैसे डिजाइन करवाया है। ये 3 मंजिला घर बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी कैमरे के जैसा बना हुआ है और रात के समय यह घर काफ़ी खूबसूरत लगता है। आपको बता दें कि इस घर को कैमरे के जैसा बनाने के लिए रवि हुंगल ने 70 लाख रुपये खर्च किए हैं, लेकिन इनके जुनून के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रवि उंगल ने अपने 3 बेटों का नाम भी कैमरे के नाम पर कैनन, निकोन और एप्सोन रखा है और इनके घर को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो गाइज, आपको रवि का ये घर कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप में से जो भी लोग मंदिर जाते हैं उन्होंने अक्सर देखा होगा कि मंदिर के बाहर दरवाजे के ऊपर एक बड़ी सी घंटी जरूर लगी होती है और मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस घंटी को जरूर बजाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर के बाहर ये घंटी क्यों लगाई जाती है? दोस्तों, वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंदिर एक पवित्र स्थान होता है और इस स्थान पर पूजा करते समय घंटी या शंख बजाने से आसपास का वातावरण कीटाणु मुक्त हो जाता है और साथ ही सकारात्मक शक्तियाँ उत्पन्न होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि शंख या घंटी की ध्वनि से व्यक्ति के मन को, मस्तिष्क को और शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो क्या इससे पहले इस फैक्ट के बारे में आप जानते थे? अगर नहीं तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।